हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सारे अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और ये है आयरू। ये देखो, ये ना आजकल अपना आप पलट जाती है। देखो यहाँ से देख लो। तो मैंने कर रखी है हेयर ऑयलिंग, क्योंकि ना यार मेरे को ना डैंड्रफ बहुत हो गया है और सर्दियों में डैंड्रफ हो जाता है, बट मुझे हर बार तो नहीं होता, इसी बार हुआ। और मेरे बाल ना बहुत झड़ रहे हैं, क्योंकि मतलब जिसको भी बताते हो ना कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, सब बोलते हैं कि आयरा बैठने लगी है, बोलने लगी है, तो इसलिए बाल झड़ रहे हैं। तो शायद इसलिए झड़ रहे होंगे। बट पहले तो इतना हेयरफॉल नहीं होता था, बट अब ज़्यादा ही होने लगे हैं, क्या ही कर सकते हैं। पहली बार तो मेरे पहले से ही बाल थिन थे और ज़्यादा हो गए अब तो बस। ओहो, क्यों करती हो? ये देखो, इसको हमने गंजा करवाया था, तो ये लो सही से पूछ लो। हाँ, हमने ना इसको गंजा करवाया था जब ये 4 मंथ की हुई थी, उसी दिन करवा दिया था जिस दिन ये 4 मंथ की हुई थी। तो अब ये 6 मंथ की कंप्लीट हो गई है, अभी 7 में लग गई है। नेक्स्ट मंथ मतलब दिसंबर 26 को ये 7 मंथ की हो जाएगी, ठीक है। तो इसके ना बिल्कुल भी हेयर नहीं आ रहे थे। उसके बाद मैंने क्या करा, जैतून का तेल लगाना शुरू करा है। ये देखो, अब अच्छी ग्रोथ हो रही लगी है। पहले तो बिल्कुल ही गंजापन था, हंसी आ गई है उसको। पहले तो बिल्कुल ही गंजा हो गया था ना, तो फिर कौन है ये, कौन है, मम्मी है। तो हमने इसको गंजा करवा दिया था, तो बिल्कुल भी बाल ना आ नहीं रहता। ऐसा लगा था कि अब बाल नहीं आएंगे, अब क्या करेंगे। हाँ, जब आयरा पैदा हुई थी ना, तो हमने मतलब आंटी रखी थी मालिश वाली, क्योंकि घर में किसी को मालिश वगैरह आती नहीं थी, और मैं मुझे तो वैसे ही नहीं आती थी, है ना, न्यू मदर के लिए यही सब चीज़ें होती हैं। तो आंटी ने मुझे बताया था कि फिगारो का ऑयल मंगा लो, जैतून वाला तेल। तो फिर हमने जब से जैतून का तेल मंगाया था आयरा के लिए, जब से फिर मेरी भी मालिश होती थी उसी से ही, और आयरा की मालिश आंटी करती थी, तो जब से मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। बीच में फिर सबने बताया कि गर्मी के टाइम ना जैतून का तेल यूज़ नहीं करते, गर्म होता है। तो अब दोबारा थोड़ी विंटर आ गई है, थोड़ी क्या, अब तो पूरी विंटर आ गई है, फिर मैं धीरे धीरे फिगारो का ऑयल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो वैसे तो मैं सरसों का तेल लगा रही थी, तो उससे बाल नहीं बढ़ रहे थे। क्यों क्यों आप खा रहे हो, क्यों आप खा रहे हो? तो गाइस क्या चमुकर लगा। तो गाइस वही मैं बता रही थी कि पहले हम सरसों का तेल लगाने लग गए थे, क्योंकि लोगों ने मुझे बोला फिगारो का ऑयल मत लगाओ, तेल गर्म होता गर्मी में। तो फिर मैंने विंटर में अब स्टार्ट कर दिया जाना, मतलब तो उसके ना हेयर आने लगे। देखो ये देखो, इसके बाल आने लगे। तो गाइस मेरा ना रूटीन यही है आजकल का, और आज मैंने नहीं पीछे कॉर्नर अपना तैयार करा है, और लो तुम देख लो गाइस, ये देखो कॉर्नर अपना तैयार कर रहे हैं। बस ये है कि मेरे हस्बैंड ने वहाँ से हटा के थोड़ा चार्जर लगा लिया, और सब सेटअप मैंने ना, मेरे घर का सेटअप पूरा चेंज हो गया, थोड़ा सा और चेंज करना, फिर मैं आपको पूरा सेटअप अपने घर का दिखाऊंगी, ठीक है। बस दिसंबर चल रहा है, अब क्रिसमस आएगा ना, तो बस उससे पहले पहले मैं अपना पूरे घर का सेटअप चेंज कर लूँगी, और फिर मैं आपको दिखाऊँगी। बोलो और बोलो। और यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, टीवी मुझे लगाना है बैठ के एकदम सामने। अलमारी रखी है अभी तो सामने, उसको मुझे साइड में करना, क्योंकि दूसरी खरीदनी है। और बेड तो मैंने दूसरा ले लिया, क्योंकि वो छोटा पड़ता था हमें, क्योंकि जब आयरा हो गई तो फिर आयरा घूम घूम के सोती है, तो फिर भी जगह नहीं हो पाती है, तो इसलिए। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? तो गाइस मैं आपसे ना थोड़ी देर में मिलती हूँ, इसको ना ये देखो बिल्कुल चैन नहीं है, थोड़ी देर में। तो गाइस गुड इवनिंग, हम उठ चुके हैं सोकर, मैं तो नहीं सोई, आयरा को सुला दिया था। आयरा को आजकल ना ये देखो कुछ बात नहीं हुई है, बस इसको रोना है। ये देखो, दिखाओ अब रोते हुए सबको, देखो कैमरे में नहीं रोना। अभी मैंने इसके कपड़े चेंज किए, क्या बात हुई है बताओ, क्या हुआ है? अभी मैंने इसके कपड़े चेंज करे हैं। अच्छा आप पकड़ लो, पकड़ो पकड़ो फोन,
शाम का वक्त हो गया तो इसलिए मैं जल्दी से बाहर आ जाती, क्योंकि ना फिर ठंड लग जाएगी इसको, तो इसको कपड़े चेंज कर। ये देखो इसको पता क्या लग रहा है कि कपड़े चेंज करे तो घुमाओ इसको ना, ताकि कपड़े चेंज कर दिए तो घूमने जा रहे हैं। गाइस मैंने बनाया है ये घी का हलवा, लौकी का हलवा जिसे बोलते हैं, और आयरा सो गई है। आयरा को मैंने सुला दिया और मैंने घी का हलवा बनाया, तो वही मैं खा रही हूँ। पता है घी का हलवा में ना मुझे गाजर का टेस्ट आ रहा है, मतलब गाजर का हलवा जैसा लग रहा है। अब सर्दियाँ आ गई ना तो गाजर का हलवा बहुत चलेगा। आज ना आयरा थक गई है, पता है मैं इसको लेके गई थी, मैं आपको खा के बाद में बताती हूँ। मैंने ना आज मतलब नहाई थी ना, तो मैंने हेयर वॉश भी किया था, तो उसके बाद ना ठंड से मेरे सर में ज़्यादा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। इतना दर्द हो रहा है कि आंसू भी निकल रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है मेरे को, क्योंकि ना ठंड में नहाई मैं, गर्म पानी से नहाई हूँ वैसे तो, बट फिर भी ठंडा मौसम तो हो ही रहा है। पहले धूप देख कर नहाई थी, हमारे ना सामने धूप आती है, धूप देख कर नहाई थी कि पहले मैं नहा लेती हूँ, धूप में खड़ी हो जाऊँगी। मैं नहाई ज़्यादा देर में, ज़्यादा देर नहीं लगाती मैं नहाने में, क्योंकि फिर आयरा चक जाती है, तो जल्दी जल्दी मैं नहाया, नहा के निकली, देखा तो धूप ही चली गई, बहुत पतले हो गए बाल। बस नहा के नाइट सूट पहन लिया था, उसके ऊपर जैकेट डाल ली थी, अभी बस घर में हूँ तो सिर्फ नाइट सूट डाला हुआ है यार। शायद मैंने पता क्या, मैं आपको बताती हूँ, घी का पील ऑफ करके कद्दूकस कर लिया था, उसको अच्छी तरह फिर सही से फ्राई कर लिया था, मतलब ज़्यादा नहीं, सोते सोते कर लो, और उसके अंदर मैंने दूध डाल दिया, दूध में अच्छी तरह पकता रहा पकता रहा। उसके बाद चीनी डाल दी, चीनी में अच्छी तरह पका के उसके ऊपर घी डाल दिया, अच्छी तरह उसमें पका के ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दिया, उसको मिला लिया बस। एक इन्विटेशन आ रहा था, मासी की बेटी की शादी है, वहाँ जाना था, शादी तो मतलब बाद में, वही अभी फंक्शन वगैरह हो रहे, तो वहाँ भी नहीं जा पाई। सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या करूँ, तो मेरा सो गई है, थोड़ी देर में उठ जाएगी, नहीं उठेगी तो मैं उठा दूँगी, मतलब क्यों, रात का टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही सोई है, 9:30 बजे तक उठा दूँगी, वरना अगर ये अपनी मर्जी से 10:30 बजे उठी तो 12 बजे से पहले नहीं सोने की, और 1 बजे 1:30 बजे तक, तो ऐसा अच्छा है थोड़ी देर आराम करने देती हूँ, थोड़ा मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा और फिर उठा दूँगी। ओए ओए मम्मा बोलो, मम्मा अच्छा बोलो, सुनो सुनो, पीछे पीछे तो होके बैठो, गिर जाओगे, मम्मा अच्छा बोलो, मम्मा नहीं नहीं करो, अरे बोलो मम्मा, मम्मा बोलो मम्मा गगले मम्मा 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 ओ मम्मा पापा पापा।